हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेदा मेडिसिन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस प्लांट के मेडिसिनल यूज़ व आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें व वीडियो अच्छी लगी तो लिंक को शेयर करें। पहले हम इस प्लांट के आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। इस प्लांट का बॉटनिकल नेम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, जो लेग्यूमिनोसी सिम्बी कुल के अंतर्गत आता है। संस्कृत में इसे पलास, किशुक, रक्त पुष्प, क्षार श्रेष्ठ, ब्रह्मवृक्ष समिद्वर, हिंदी में ढाक टेशु, बंगाली में पलास तथा मराठी में पलस तथा गुजराती में खाकरो के नाम से जाना जाता है। इस प्लांट के फॉर्मेट स्वरूप की बात की जाए तो इसका प्लांट 40 से 50 फीट ऊंचा होता है तथा 5 से 6 फीट मोटा होता है। इसकी बाहरी छाल नीलाभ, धूसर या हरे भूरे रंग की होती है। इनकी लीव्स हरी रोमस तथा साइनिस होती है। इनके पत्रों का पारंपरिक अनुष्ठानों में तथा थालियां तथा इनके पत्रों से अन्य पात्र भी बनाए जाते हैं। इनकी पुष्प मंजरी आधा फीट लंबी, जिसमें चमकीले नारंगी रंग के पुष्प लगते हैं। पुष्प लगने के बाद इनमें फल लगते हैं, जो 6 से 9 इंच लंबे, 1.5 इंच चौड़े, मखमली भूरे रंग के होते हैं, जिसमें अंडाकार ओवल शेप का बीज होता है। इसमें वसंत ऋतु में पुष्प तथा ग्रीष्म ऋतु में फल आते हैं। गर्मियों के समय इसकी छाल के ऊपर थोड़ा छेदन किया जाता है या किसी अस्त्र का उपयोग कर इसे थोड़ा काटा जाता है, जिससे इसका सिक्रीशन बाहर निकले, जिसे हम निर्यास कहते हैं, जो जमने पर लाल गोंद बन जाता है। इस गोंद को ब्यूटिया गम या बंगाल काइनो कहते हैं तथा इसके पुष्प रंगीन होने के कारण इनसे रंग भी बनाया जाता है। इस प्लांट की उत्पत्ति की बात की जाए तो यह समस्त भारत में पाया जाता है। इस प्लांट में उपस्थित केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो इसकी छाल और गोंद में काइनोटेनिक एसिड तथा गैलिक एसिड तथा 2% क्षार पाए जाते हैं। इनके बीजों में पलासोनिन नामक एक्टिव तत्व होता है तथा इनके बीजों में 16 से 18% ऑयल उपस्थित होता है। आयुर्वेद अनुसार इस प्लांट के गुणों की बात की जाए तो यह लघु रुक्ष, रस कटु, तिक्त कषाय, विपाक कटु तथा वीर्य उष्ण होता है। अब हम इस प्लांट के मेडिसिनल यूज की बात करेंगे। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो यह भूख को बढ़ाने के कारण दीपन करते हैं, यह कहलाते हैं, तथा यह लीवर की फंक्शनिंग को एक्टिवेट करते हैं, इसलिए इसे यकृत उत्तेजक कहा गया है। तथा जिन व्यक्तियों को बार बार प्यास लगती है तो उन रोगियों को इसके पुष्प के रस का सेवन कराया जाता है, उससे उनकी बार बार जो प्यास लग रही थी वो बंद हो जाती है, इसीलिए इसे आयुर्वेद में तृष्णा शामक कहा गया है। जिन रोगियों को अम्लता, हाइपर एसिडिटी की समस्या होती है, ऐसे रोगियों को इस प्लांट से प्राप्त गोंद ग्रहण करना चाहिए। यह गोंद अम्लता नाशक होती है तथा इससे प्राप्त बीज इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम में उपस्थित वर्म को नष्ट करने वाले होते हैं तथा इसके बीज ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी करते हैं। इनके पुष्पों का सेवन करने से यूरिन का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। इनके पुष्प व बीजों का उपयोग स्किन डिसीज में भी किया जाता है। इनके पुष्प मधुर विपाक व शीत वीर्य होने के कारण यह फीवर व जहां जलन होती है उसे शांत करते हैं। इससे प्राप्त गोंद शरीर को बल देने वाला होता है। इसका बीज विषग्न होता है, अर्थात ऐसी चीजों को डॉक्टर की सलाह से ही सेवन करना चाहिए तथा इस प्लांट के पंचांग से रसायन का निर्माण किया जाता है। रसायन प्रकार की आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन आती है, जिनमें मरकरी का भी यूज़ किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो मरकरी जो इसमें यूज़ की जाती है वो शोधित होती है, अर्थात नॉन टॉक्सिक होती है, तथा रसायनों का निर्माण आयुर्वेद में एक्सपर्ट के द्वारा ऑब्जर्वेशन में तथा इसकी लिमिटेड क्वांटिटी यूज़ की जाती है। अगर आपको कहीं चोट लग जाने के कारण वहाँ स्वेलिंग हो गई है, अर्थात सूजन आ गई है, याद रहे कि उसमें पस फॉर्मेशन ना हुआ हो, ऐसी जगह में इसके पत्तों को तवे के ऊपर रखकर गर्म करना चाहिए तथा उस स्वेलिंग के स्थान पर उसे बांध देना चाहिए, इससे वह स्वेलिंग कम हो जाती है। इसके बीजों का लेप स्किन डिसीज व नेत्र आई के विकारों में किया जाता है। अब हम पुनः एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। अगर आपको भूख कम लगती है तो इसकी छाल का कौध बना करके सेवन करना चाहिए, इससे आपकी भूख बढ़ जाती है। अगर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में राउंड वर्म उपस्थित है तो पलास के बीजों का चूर्ण 3 से 6 ग्राम सुबह शाम 3 दिनों तक इसका सेवन करें तथा चौथे दिन 5 ml अरंड तेल पिए।
ऐसा करने से इस प्रकार के कृमि मर के बाहर निकल जाते हैं। इस प्लांट से बनाई गई मेडिसिनल क्वांटिटी की यूज की बात की जाए तो इसके त्वक कौथ को 50 से 100 मिलीलीटर, इसके पुष्प चूर्ण को 3 से 6 ग्राम व इससे प्राप्त निर्यास गोंद को 1 से 3 ग्राम तथा इसके बीजों के चूर्ण को 3 से 6 ग्राम उपयोग करना चाहिए। इसके मार्केट में कई प्रकार के विशिष्ट योग उपस्थित है जो पलाश बीजादि चूर्ण तथा पलाश क्षार घृत के नाम से आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी जानकारी से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए प्लांट व उसकी नई जानकारी के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।